सेकंड आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट, NUTRITION, न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। इसमें भाई क्या इंपॉर्टेंट आ गया, इसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है हमारा? तो इसमें आएगा आपका सबसे पहले ए पॉइंट, क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है। इसमें पूछेगा क्या, वो कंडीशन पूछेगा आपसे जो कि नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस। ये वाला जो व्हाइट व्हाइट आ रहा है ना, इसको जरा मैनेज कर लेना भाई लोग। ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें पूछेगा आपसे कि क्या क्या कंडीशन आपकी नेसेसरी होती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए। तो कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक, पहला चीज ये इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट बी क्या इंपॉर्टेंट है, बी आपका इंपॉर्टेंट है जो फोटोसिंथेसिस होता है ना बच्चों, जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस जो आपका प्लांट में होता है वो कैसे होता है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे ये क्या है हाउ, और यहां पे क्या कह सकता हूं व्हाट के सेंस में आएगा, व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए, और यहां पे हाउ फोटोसिंथेसिस अकर्स किस में होता है, फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में, इन प्लांट्स। ठीक है, एक तो ये आ जाता है, ये दो होते हैं इसमें। इसके बाद जरा सा इसमें थोड़ा सा दिमाग और लगा के वो लोग वन लाइनर, अब तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू भी आने लग गए। ठीक है, तो इसमें ये लोग पूछते हैं कि ये आपका साइट क्या है भाई, कौन सा है बता दो बच्चों, कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कहाँ होता है भी आगे बताऊंगा मैं, सब कुछ करूँगा डिस्कस। इसके बाद एक डी आ जाता है, डी यहाँ लिख देता हूँ, ख़त्म कर देंगे इसी में। एक चौथा इसमें ये पूछ सकते हैं वो, ये वन लाइनर वाला है, ये सी वाला और डी वाला, ये वन लाइनर वाला है। सी में पूछते हैं वो लोग पिगमेंट, यहाँ तो वाइट वाइट है ना, तो करता हूँ ये इसको मिटा दो, ए वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, सी और ये डी, आप लोग ना इसका ये वीडियो देखने का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या बट उससे सबसे बेस्ट मैं बताता हूँ, देखते रहोगे ये पॉइंट समझा जो रहा हूँ वो, तो कंटेंट अपना कॉपी से भी देखोगे, अपने नोट्स से भी देखोगे क्या हमने लिखा है क्या नहीं लिखा है। सो उससे सबसे अच्छा ये रहेगा कि ये पढ़ते पढ़ते ना आप लोग इसके सारे ए बी सी डी करके लिख लेना कि ये बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपना सारा कंटेंट करने के बाद फाइनल रिवीजन में इसको जरूर देख के जाना, इन सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, तो अभी से कर लेना झकास। ओके, डी देखते हैं, डी है हमारा, ए वन लाइनर पूछेगा वो पिगमेंट के बारे में। अरे भाई वो पिगमेंट बताइए जिस पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हो रही यूज हो रही, कौन सा, तो वो आपका हम लोग इसमें पिगमेंट बोल देते हैं या फिर ग्रीन पिगमेंट भी कहा गया है। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके एक एक टॉपिक को उठाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पुट करोगे आंसर, आंसर में कौन से वर्ड हमें चाहिए होते हैं साइंटिफिक वर्ड जिससे हमें मार्क्स गेन किए जा सकते हैं, और बड़ी आसान तरीके से हम लोग स्टेटमेंट भी आराम से क्लैरिफाई कर सकते हैं किसी भी टीचर के सामने या किसी भी चीज़ के सामने जो हमारे आंसर को पढ़ रहा है, कोई भी पढ़ रहा है उसके सामने उसको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाए पर्टिकुलर वर्ड उस क्वेश्चन में जो पूछा है उसके आंसर के साथ। हमारा पहला पॉइंट था इसमें ए, कि किस प्रकार कौन कौन से हमारे आपके कंडीशन नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो क्या था, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो लिख दूं मैं कंडीशन नेसेसरी फॉर किसके लिए, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन किसमें भैया, प्लांट्स। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट था इसका आंसर में आ जाएगा आपका। ऑब्वियस हमें पता है रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, वो कौन से रॉ मटेरियल्स हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स आएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा वाटर, वाटर चाहिए हमें। ठीक है, वाटर के बाद और क्या चाहिए हमें, सनलाइट चाहिए, सनलाइट की इंपॉर्टेंस है, और सनलाइट के बाद हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक,
वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक चौथा चीज और बताओ। अगर हमारे पास पानी मिल गया, सनलाइट ही मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा, तो और कैसा कोई एक चीज बची? वो कौन कौन से कंडीशंस चाहिए और क्या क्या चीजें चाहिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीटली हो सके? जिस साइट पे होता है वहां पे कोई पिगमेंट का भी यूज होता है, और वो पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। आ रहा होगा नजर आप लोग को, ठीक है? ठीक, तो ये चार चीजें हमें चाहिए होती हैं। इसमें से रॉ मटेरियल हम क्या क्या बोल सकते हैं? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल्स। और पूरी की पूरी अगर कोई आपसे बोले क्या क्या कंडीशन हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस को होने में पौधों के अंदर, प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में, पानी की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, और साथ ही साथ क्या जरूरी है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये आपकी कंडीशन नेसेसरी होती हैं आपके किस में? फोटोसिंथेसिस होने में, प्लांट में। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है? सी बी सेकेंड पार्ट पे, ठीक? बी हमारा है कि हाउ फोटोसिंथेसिस किस प्रकार होता है प्लांट्स में। तो ये हमें मालूम है फोटोसिंथेसिस किस प्रकार होता है, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे वही पॉइंट्स लिखेंगे जो आपको आंसर गेन करने, मार्क्स गेन करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। यानी कि फालतू की चीज़ें आप कंटेंट लिखेंगे तो ऑब्वियस है मार्क्स कटने हैं, फालतू की चीज़ों हमेशा कटता है मार्क्स। तो आप टू द पॉइंट लिखें, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है, तो आपको वो साइंटिफिक वर्ड्स लिखने पड़ेंगे या फिर उस क्वेश्चन की जो डिमांड है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको उस आंसर के वर्ड्स को पुट कर वहाँ पे करना पड़ेगा, जिससे आपको पूरे के पूरे आंसर आपको मिल जाएंगे। थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ, ज़रूरी भी है क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कर नहीं रहे हैं, और अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बच जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने पढ़ लिया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हमें चाहिए होती, कौन सी कंडीशन नेसेसरी चाहिए होती, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं फोटोसिंथेसिस को होने के लिए। तो हमने सबसे पहले पढ़ा वाटर, सेकेंड पढ़ा सनलाइट, थर्ड पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा जो अंत नहीं है जिसका, और जो हमारे पास बहुत है, सनलाइट, सूर्य की किरणें। ठीक है, तो आपको पता है कि इस पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एक चीज़ हम लोग आप लोगों ने जरूर ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल की बात कर रहे थे, जब भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो इसके अंदर आप लोगों ने क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा होगा। जब हल्का सा डिस्कस करते हैं उसको, क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपका वो क्या होता है? वो आपका ग्रीन कलर का ऑर्गेनेल होता है जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, लीव्स में आपको देखने को मिलता है, और उसके अंदर कोई ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। वो पिगमेंट कौन सा होता है? उसका नाम होता है क्लोरोफिल, जिसकी बड़ी ही मददगार है वो किस प्रोसेस को होने के लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए। कौन मददगार है? क्लोरोफिल। और वो जगह कौन सी है जहां पे चीजें हो रही है, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है प्लांट में, वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये आपका साइट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का होने का। अब आगे देखते हैं, इसके बाद बात करते करते हम लोग आगे आ गए, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोफिल हो गया। आपको ये पता है कि इसमें सनलाइट की यूज़ हो रही है। सनलाइट अगर आपका यूज़ हो रहा है तो होगा क्या? सनलाइट अगर यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे आपका सनलाइट क्या है? लाइट एनर्जी आ रही है, ये देखो चमक गया लाइट। ठीक है, लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी क्या हो रही है? कन्वर्ट यहाँ पे केमिकल एनर्जी, अंदर केमिकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? लाइट एनर्जी क्या कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। और केमिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, अभी देखेंगे क्या है उसमें पर्टिकुलरली वर्ड्स। ठीक है, वो उसमें ब्रेक डाउन होता है और वो फिर क्या बनाता है लास्ट में? ग्लूकोज बनाता है, कुछ चीज़ बनाता है खाने का ना, फूड वूड, देखते हैं स्टार्च है ग्लूकोज है क्या है, देखते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को बनाता है और अपना लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू रखता है। कौन? प्लांट, थ्रू द कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। साइट क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और जगह साइट हो गई आपका, और ग्रीन पिगमेंट कौन सा इसमें यूज होता है? क्लोरोफिल। ठीक, फटाफट आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट, आपने सब कुछ समझ लिया, सारांश मिल चुका है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा कैसे? इसमें आपकी सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, सनलाइट एब्जॉर्ब होगी किससे? सनलाइट, लिख देते फटाफट, सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड, सनलाइट इसके अंदर एब्जॉर्ब हुई किससे? बाय, अरे ना पे, ठीक है, बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल से सनलाइट एब्जॉर्ब हुई। उसके बाद क्या होता है इसके अंदर? ये वो चीजें हैं जो आपको आंसर में पुट करनी है। इसके बाद आपका क्या होता है कि लाइट एनर्जी जो है आपकी, लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स या कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट होता भाई? केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी, ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए जैसे मुझे देख, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे देखना ही देखना है उसके अंदर। जब ये लाइट एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, तो इसके अंदर आपके
जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन में एलिमेंट्स में सॉरी लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका हो जाएगा लिख देते ना कहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा है, पानी के मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, तो क्या मैं लिख नहीं सकता ब्रेक्स डाउन ठीक है, यानी कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो टूट रहे हैं किसमें किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी चीज़ें आपको इस पॉइंट के अंदर लिखनी पड़ेंगी या मेंशन करना पड़ेगा। और ये होता किससे है, ये टूटता कैसे है, किसके कारण टूटता है, ये होता है लाइट एनर्जी के कारण टूटता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ऊपर लिख देता हूँ आपको, इसको मिटा दूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना कर लेना। जो इसके अंदर तीसरा पॉइंट आएगा इसके आंसर के अंदर, इसमें आपका क्या होता है, इसमें रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग देखेंगे, इसमें होता है रिडक्शन हो जाता है तीसरा पॉइंट। ये मेन वर्ड्स हैं जो आपको लिखने जरूरी हैं, ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं कैमरे के फ्रेम से बाहर भी चला जाता हूँ, कंटेंट है आपका, आवाज़ आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसके अंदर, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन का गेन हो रहा होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन टूट रहा होगा, हाइड्रोजन हट रहा होगा, यानी कि ऑक्सीजन जोड़ना हाइड्रोजन हटना, तो ये होता कैसे है, ये बाय द हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से होता है, जो हाइड्रोजन एलिमेंट अभी टूटा था ना पानी वाला, उस हाइड्रोजन से इसका रिडक्शन होता है, और इसी में जो आप लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं भाई, जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स का हाल क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स कैसे, लाइक ग्लूकोज, वो कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज ये आपके फॉर्म हो जाते हैं, फॉर्म इस प्रकार जो पौधा है अपना फूड ऑब्टेन करता है बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। यहां पे कौन सी एनर्जी काम कर रही होगी, केमिकल एनर्जी। अब फटाफट इसे डिस्कस कर लेते हैं, इस कहानी को ये देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। अब देखते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा कि सनलाइट इसके अंदर एब्जॉर्ब हुई, कहाँ पे हो रही है ये एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल की जगह एब्जॉर्ब हो रही है। नेक्स्ट हमने देखा कि इसके अंदर लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में, और इस केमिकल एनर्जी की कन्वर्जन की वजह से इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आपके स्प्लिट हो गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स में, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम्स में, ठीक है। तीसरा इसके अंदर पॉइंट आ गया, उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने देखा ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन जो हो रहा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन की वजह से जहाँ पे केमिकल एनर्जी काम कर रही है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाता है किसके फॉर्म में, जैसे ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट है क्या, वैसे भी ग्लूकोज ही है, वो आपका कन्वर्जन होता है उसका वहाँ पे, और क्या फॉर्म होता है मेरे पास, खाना, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं, अब पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट। तो सबसे पहले हमने देखा कि सनलाइट इसमें कन्वर्ट हो रही है, सनलाइट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है कहाँ पे, बाय द क्लोरोफिल, ठीक है, कहाँ पे होता है ये आपका पूरा, वो साइट कौन सा है, वो क्लोरोप्लास्ट आपका साइट है, लीफ एक आपका साइट है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोस्कोपिक साइट कह सकते हैं उसको, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है, इसमें लाइट एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है तो वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में या फिर एटम्स में, ये हो गया। ये किसके द्वारा हो रहा है, ये हो रहा है लाइट एनर्जी, ये पॉइंट आपको लिखना है। उसके थर्ड पॉइंट हो गया, बड़ा कैची पॉइंट है, इसमें जो रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो इसमें रिडक्शन हो रहा है किसके द्वारा, बाय द हाइड्रोजन, ठीक है,
किस प्रकार का फिर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, किस प्रकार का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये कोने में लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स तरीके के प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, लाइक ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। और ग्लूकोज क्या है प्लांट के लिए, खाना ही तो है, फूड ही है, और फिर उसका लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा, फूड मिल गया उसको, चल रही है उसकी लाइफ। और यहाँ पे मेन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे वहाँ पे लाइट एनर्जी कन्वर्जन कर रहा था, और यहाँ पे कौन सा केमिकल, यहाँ पे कौन सा एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे।